हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूँकि हम लोग कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, और इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कंप्लीट किए थे, एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा से वॉल्यूम सेकेंड 412 के लिए। और इसके बाद जो है 15.1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें कि पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे इजी चैप्टर है, 2 डेज का है, आज और कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए नाम ही है इंक्रीजिंग और दूसरा क्या है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, दैट मीन्स की पॉजिटिव क्वान्टिटीज, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, दैट मीन्स की नेगेटिव क्वान्टिटीज। कहने का मतलब इसमें देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए कि y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, रियल से रियल है, तो हम लोग x और x है y बराबर एक्स स्क्वायर कुछ पॉइंट्स को हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए 0 देते हैं, -1 -2, अगर मान लीजिए इसमें -2 देते हैं, एक -3 से भी हम काउंट कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी आप चीज नंबर से ले सकते हैं। इसे -2 रखे तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 रखे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1 और 2 का 4। एक देखिए कि हमको प्लॉटेड हुआ ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस, हम लोग जानते हैं इधर क्या होता है एक्स डैश एक्सिस। हम लोग कुछ पॉइंट्स लिए 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी लिए 0, 1, माइनस में लिए, ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव ये जानते हैं, -2, 4, -2 लिए और यहाँ पर लिए 4 लिए, ये आ गया, फिर -1, 0 लिए, फिर 0, 0 ये ऑरिजिन है। जब हम ये ग्राफ देखें तो हम देख रहे हैं क्या कि ये वैल्यू जो है बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये इन ए सेंस ऑफ पॉजिटिव के सेंस में बढ़ रहा है और ये मेरा क्या सेंस है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट के सेंस में। तो एक पैराबोलिक फॉर्म दिया जिसको कि हम लोग एज ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या, एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का ये डिक्रीजिंग लिखे हैं, एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रूट में जाना है, रूट का दस मीन्स कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन के पास जाना है, तो एक सीधे रूट में जाएंगे, उसके बाद आपको जंक्शन चेंज करना, मान लीजिए किसी को अगर सुल्तानगंज की साइड या कहीं भी जाना है, किसी भी रूट में आपको जाना है, तो इस तरह से जो इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फंक्शन रुकता है उसके बाद बढ़ते क्रम में चलता है उसको इंक्रीजिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई इफ, देखिए ये मेरा एक्स वन है, ये एक्स टू, तो ऑब्वियस है कि एक्स वन छोटा है, एक्स टू बड़ा है, तो एक्स वन इज लेस देन एक्स टू होगा, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, दैट मीन्स क्या हुआ, एक्स टू मेरा ग्रेटर है, एक्स वन मेरा क्या है, छोटा है, तो फंक्शन जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू इसीलिए लिखी थी कि कुछ देर के लिए इंटरवल क्या है रुका है, तो ये इक्वल भी होगा, फिर इसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो कंडीशन यही है कि यदि एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन होगा तो एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वन होगा, इसको हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन जो हर हमेशा बढ़ती रहे, जैसे ये एक ग्राफ हम खींचे एक्स वन एक्स टू, तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन यदि एफ एक्स टू इज सिर्फ ग्रेटर देन एफ एक्स वन हो। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो इंक्रीजिंग, सिर्फ ग्रेटर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए इसके अलावा हम लोग सिमिलरली हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी सेम है कि वो फंक्शन क्या होगा, इस तरह से घटते क्रम में जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, सेम हम लिख दें कि ये फंक्शन इसमें सिर्फ अपोजिट होता है, एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स वन होता है और यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, एक्स टू इज लेस देन एक्स वन, उसमें अपोजिट था, इसमें मतलब कि इंक्रीजिंग का डायरेक्ट अपोजिट होता है, इसमें भी क्या हुआ, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यही चार फंक्शन होता है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ बुक्स में इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को सिर्फ डिक्रीजिंग बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आए, ऐसा हम ग्राफ खींचते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आए और निगेटिव एक साथ पोसोलेट्स करे, ऐसे फंक्शन को कहते हैं सम पार्ट पॉजिटिव एंड सम पार्ट निगेटिव, इसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यही चीज इसका बेसिक्स है। अब इसके कुछ बेसिक्स रूल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं कुछ नहीं है, अभी पहले समझाते हैं और अच्छी तरह से आएगा समझ में। इसका देखिए बेसिक्स रूल्स क्या है, बेसिक्स रूल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसका जो वर्किंग रूल है बनाने का एक तरीका बता देते हैं, वर्किंग इसका जो है।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एफएक्स दिया रहे उसको हम गिवन है, ये कर दिया, दिया हुआ है। सेकेंड में क्या करते हैं, इस एफएक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स में, डिफ्रेंशिएट किए, जरूर है कि इसका वैल्यू छोटा हुआ। थर्ड केसेस में क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम जीरो के बराबर करते हैं, क्योंकि वैल्यू फॉर एक्स के लिए, वैल्यू फॉर एक्स हो, थीटा हो, टी हो, ईटीसी, ठीक। फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं कि ऑल वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, बी ऑप्टेंट, हम लोग प्राप्त करते हैं, सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिफ्थ में हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्कीम दिखाना पड़ता है, जी एन साइन स्कीम दिखाना पड़ता है, किसका, तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम दिखाना पड़ता है। सिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इफ अगर इंटरवल नोट मेंशन, सपोज कीजिए कि इंटरवल अगर नोट गिवन या मेंशन नहीं हो, तो हर हमेशा इसका जो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। और सिक्स सेवन नंबर में क्या होता है कि अगर इंटरवल मालूम हो, इंटरवल बी मेंशन, तो वही चीज को हम लिखते हैं जो दिया है, जो भी मेंशन होगा वही चीज हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो। इतना दूर तक करने के बाद अब देखिए इसका क्या है रूल्स। अब इसके बाद हम लोग जब चलते हैं तो सपोज कीजिए कि हम लोग कैसे समझेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले अगर फंक्शन हो, दिया हुआ हो, ये क्या है, गिवन है, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो हर हमेशा उसमें कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा या स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड केसेस में यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा, नेगेटिव, दैट मीन्स कि डिक्रीजिंग बोलेंगे या स्टिकली डिक्रीजिंग। और सपोज कीजिए कि एफ डैश एक्स की ये डिफ्रेंशिएट और ये हो गया जीरो, जीरो ना तो क्या है, पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है, तो ऐसा फंक्शन क्या बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यही चीज होता है। तो चलिए पहले एक प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद और अच्छी तरह से आपका टाइप बन जाएगा। तो एक समझाते हैं हम लोग, बोल क्या रहा है कि फाइंड इंटरवल निकालने के लिए देखिएगा ध्यान से, बोल क्या रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है -2x³ - 9x² - 12x+1। इसमें कहता है कि इन विच फर्स्ट में कहता है क्या कि यदि एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन हो, डिक्रीजिंग हो, और सेकेंड में क्या बोलता है, यदि एफ एक्स इज कैसा फंक्शन हो, इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, यही प्रॉब्लम है। देखिए फाइंड द इंटरवल कहता है निकालने के, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, जो एफ एक्स है उसको पहले लिख लीजिए। एफ एक्स मेरे पास कितना दिया है, -9x² - 12x+1। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर -2x³ को लिख सकते हैं, 3x² - 9x² - 12x+1 और कांस्टेंट का 0। तो ऑब्वियस है, इसको क्या लिखेंगे, -18x - 12। तो आप मैक्सिमम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या किए कि -6 को कॉमन लिए, तो ऑब्वियस है कितना आ जाएगा, x² + 3x + 2। और इसको सिंपल वे में हम तोड़ देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -6, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, x² + 2x + x + 2। ये चीज लिखे, तो दिस इंप्लाइज माइनस, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x + 2 + 1 कॉमन लेते हैं तो x + 2, ये 2 लिखे हैं।
तो इम्प्लाई जिट कितना होगा, माइनस सिक्स पहला हो जाएगा एक्स प्लस वन और दूसरा होगा एक्स प्लस टू। टोटल हम इसको लिख दिए, ये मेरे पास क्या निकला, तो एफ डैस एक्स निकला। अब हम क्या करते हैं, बताए थे कि सिंस एफ डैस एक्स को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं तो ऑब्वियस है कि माइनस सिक्स तो कॉन्स्टेंट है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तब देयर फोर मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। हम बोले थे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए, तो हम लोग चलते हैं आइदर में कि यदि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स का मान कितना होगा माइनस वन, और आइदर हर हमेशा और लेता है तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स का मान कितना आया माइनस टू। अब मेरे पास कन्फर्म हो गया कि एक्स का क्या निकला, दो वैल्यू निकला। अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, साइन स्कीम में दिखाते हैं। अभी जस्ट हम लोग बोले थे कि चूंकि इसमें इंटरवल तो दिया नहीं है, देखिए दिया हुआ है इंटरवल, सिर्फ कहता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंटरवल नहीं है, कहता फाइंड द इंटरवल निकालना ही है। तो इस चीज़ को साइन स्कीम में जब भी दिखाते हैं तो हम लोग एफ डैश एक्स को दिखाते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, क्या निकालें, माइनस सिक्स एफ एक्स को नहीं, एफ डैश एक्स को, एक्स प्लस। अब देखिए जैसे साइन स्कीम दिखाएं तो ये एक इंटरवल हम लोग खींच लिए, ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, दो वैल्यू निकाले, एक निकाले एक्स का अमाउंट क्या निकाले तो माइनस वन, और दूसरा वैल्यू क्या दिए एक्स का अमाउंट कितना दिए माइनस टू, चूँकि माइनस वन इधर आएगा। अब देखिए माइनस वन से हम छोटा वैल्यू लेते हैं, तो छोटा वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस माइनस वन से छोटा लीजिए तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस टू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे x का मान क्या निकालें, माइनस वन से हम लोग क्या किए, सॉरी मिस्टेक हो गया, कि पहले होगा माइनस टू, ये छोटा वैल्यू तब आएगा माइनस वन। अब बोले माइनस टू से छोटा वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस थ्री रखते हैं, इस जगह रखिए माइनस थ्री, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, माइनस थ्री प्लस वन और माइनस थ्री प्लस टू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस वन कितना होगा माइनस टू, और इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन कैसा मिला नेगेटिव मिला, तो सिर्फ इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइन को दिखाते हैं और बाकी कुछ नहीं, तो ये मेरा साइन कैसा हो गया, बोले तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए इस दोनों के बीच अगर लेते हैं माइनस टू माइनस वन के बीच हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं हम लोग क्या 1.5 लेते हैं, माइनस 1.5, देखिए माइनस 1.5 प्लस वन तो माइनस वन 0.5 होगा, ये तो माइनस 1.5 ये तो पॉजिटिव गया, पॉजिटिव ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, माइनस 1.5 प्लस 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अल्टरनेट एक्स का मान माइनस वन से बढ़ा लीजिए, टू लेते हैं, टू प्लस वन थ्री, ये तो मेरा क्या हो गया, देखिए ये पॉजिटिव आगे में साइन था, ये तो मेरा क्या होने, फिर से समझा देते हैं, माइनस टू से छोटा वैल्यू लिए माइनस थ्री लिए, एक्स का मान क्या लिया माइनस थ्री, सिर्फ इसमें वैल्यू को पुट करना है, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, अब माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस प्लस वन, ये दिखाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप साइन फिर इसके बाद लिए माइनस 1.5 लिए फिर इसके बाद लिए। अब देखिए हम बताए थे कहता कि फाइन द क्या बोल रहा है एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में फाइन बोल रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, तो इंटरवल निकालने के लिए हम बोले थे कि अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। देखिए पॉजिटिव कौन सा आया, पहले हमको निकालना कौन सा फंक्शन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, देखिए इंक्रीजिंग के लिए ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव देखेंगे तो क्या आया, बोले माइनस टू से माइनस वन, ये मेरे पास क्या आ गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इसको ओपन में भी लिख सकते हैं या कुछ बुक्स में जो है इस तरह भी लिखा लेता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टू से माइनस वन। अब बी में कैसा फंक्शन बोल रहा है, तो डिक्रीजिंग बोल रहा है, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में हर हमेशा कैसा साइन आना चाहिए, नेगेटिव, देखिए नेगेटिव में क्या क्या आया, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू एंड दूसरा क्या आया तो वन से लेके इन्फिनिटिव, दो वैल्यू है, सॉरी माइनस वन से लेके इन्फिनिटिव है, दोनों नेगेटिव है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं माइनस, ये हर हमेशा ओपन रहेगा, माइनस टू क्लोज, यूनियन भी लिख सकते हैं माइनस वन से इन्फिनिटिव। यही सवाल है टोटल आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। आप क्या कीजिएगा 15.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड जितना वैल्यू, अभी हम लोग सिंपल पे चल रहे हैं तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज 15.1 में लगभग प्रॉब्लम है 12 और 2 नंबर सवाल में लगभग वही 12-15 करीब लगभग 27-28 सवाल है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दो तक टोटल बनाने के लिए इसमें एक रफ में यूज बता देते हैं। एफ एक्स पहले जो फंक्शन है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रफली कर देते हैं, जो एफ एक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे ऑल वैल्यूज निकाल देंगे किसका एक्स का, अगर इंटरवल मेंशन नहीं रहता तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव ले लेंगे,
उस दोनों के बीच में एफ डैश एक्स को दिखाएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और हम लोग क्लास भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट हो जाए जितना जल्दी हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव काफ़ी होगा तो सेशन हम संडे स्पेशल आपको ऑब्जेक्टिव देंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव, मैं संडे नहीं सॉरी संडे डे, मंडे को तो टेस्ट है, ट्यूजडे को हम दे देंगे। थैंक यू आज के लिए।